नमस्कार दोस्तों, मैं दीपिका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल दीपिका मेडिटेशन पावर में। आज का विषय शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे कमेंट लिखिए कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं अपने चैनल को और अच्छा इम्प्रूव कर सकूँ आप लोगों के लिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज मेरा विषय बहुत ही गंभीर विषय है, जो कि है क्रोध, गुस्सा, एंगर। आइए सबसे पहले इस पर विचार करते हैं कि आखिर क्रोध है क्या। एंगर, गुस्सा, क्रोध, ये सभी इसी के नाम है। क्रोध एक सामान्य मानवीय भावना की तरह है, परंतु जब क्रोध लगातार और अनियंत्रित हो जाए तो यह जीवन की हर समस्या को उत्पन्न कर देता है, चाहे वह समस्या मानसिक हो, शारीरिक हो, भावात्मक हो या सामाजिक हो। फ्रेंड्स, लॉर्ड बुद्धा के कुछ बहुत ही अच्छे विचार हैं, बहुत ही अच्छी लाइनें हैं, जो कि मैं आपको बताती हूँ। होल्डिंग ऑन टू एंगर इज लाइक ड्रिंकिंग पॉइजन एंड एक्सपेक्टिंग द अदर पर्सन टू डाई। इसका मीनिंग ये है कि क्रोध को पकड़ना, जहर पीने और दूसरे व्यक्ति के मरने की अपेक्षा करना है। यानी जहर तो आप खुद पी रहे हैं, लेकिन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप उम्मीद कर रहे हैं कि दूसरा व्यक्ति उससे मर जाए। ऐसा तो नहीं हो सकता दोस्तों। ये बहुत ही अच्छी लाइनें हैं जो कि विचार करने योग्य हैं। आप इसे ध्यान से पढ़ें और ध्यान से समझने की कोशिश करें। तो आइए दोस्तों, कुछ गुस्से के कारणों पर विचार करते हैं, जिनमें कि मुख्य कारण है। पहला कारण जो है, हमारे पूर्वज ऐसे थे। कुछ लोगों को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है जब आप उनसे कहेंगे या उनसे पूछेंगे कि आपको इतना गुस्सा क्यों आता है, तो वो आपको यही बोलेंगे कि हमारी फैमिली ही ऐसी है, हमारे पूर्वज भी ऐसे थे, उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। तो यदि उनके पूर्वज ऐसे थे तो ये ज़रूरी नहीं कि आपका नेचर भी वैसा ही हो। आप को अपने क्रोध पर नियंत्रण करना सीखना चाहिए। दूसरा कारण, एक्सपेक्टेशन, उम्मीद करना। जब व्यक्ति दूसरों से हद से ज़्यादा उम्मीद करने लगता है और जब वह उम्मीदें पूरी नहीं होती तो उसे क्रोध आता है या वे फ्रस्ट्रेटेड होता है। इसीलिए आपको अपने आप से उम्मीद करनी चाहिए, अपने को सेल्फ कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, और इससे आपका गुस्सा काफ़ी हद तक कंट्रोल होगा। तीसरा कारण है, बच्चों से बार बार कहना, ब्रेन कोडिंग। जब आप किसी छोटे बच्चे या यंग यूथ को या किसी भी अन्य व्यक्ति को जिसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, आप यदि उसे बार बार ये जताएंगे या बोलेंगे कि तुम्हें बहुत गुस्सा आता है, तुम बहुत चिड़चिड़े हो, तुम बात बात पर गुस्सा करते हो, तो वह व्यक्ति और भी ज़्यादा चिढ़कर और भी ज़्यादा गुस्सा करेगा। तो आपको उसे नम्रता पूर्वक प्यार से समझाना है कि गुस्सा अधिक करने से क्या नुकसान
उसे हो सकता है। चौथा कारण है बेवजह गुस्सा करना। कुछ लोग बेवजह अपना गुस्सा दिखाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि यदि वे अपना गुस्सा किसी और पर निकालेंगे तो उनके दिल को कुछ सुकून मिलेगा, परंतु वे अनजाने में अपने स्वास्थ्य के साथ खेल रहे होते हैं, जिसके भयानक परिणाम भी भविष्य में भुगतने पड़ सकते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को अपने गुस्से का कारण जानना चाहिए और उसे नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए। तो आइए दोस्तों, हम ये गुस्से से होने वाली कुछ हानियों के बारे में भी विचार कर लें। क्रोध आपके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव डालता है। इससे हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, आपकी रोग प्रतिकारक क्षमता कम हो सकती है, स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, इंसोमेनिया यानी अनिद्रा, आपकी नींद पूरी नहीं होगी, हाई ब्लड प्रेशर, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, एंजाइटी, डिप्रेशन, माइग्रेन प्रॉब्लम। दोस्तों, कुछ आसान तरीके से हम अपने गुस्से पर नियंत्रण रख सकते हैं, जैसे कि हम अपने खाने पर ध्यान दें। आपको वह भोजन खाना चाहिए जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ना हो, पौष्टिक हो, और ऐसा भोजन जो आपको बेचैनी उत्पन्न ना करे। विश्राम करें, पूरी निद्रा लें। शरीर की थकावट मन में बेचैनी और झुंझलाहट लाती है, इसलिए आप पूरा विश्राम करें और पूरी निद्रा लें। योग या मेडिटेशन मैंने आप पहले भी अपने वीडियोस में बहुत बताया है, मेडिटेशन के बहुत लाभ हैं। क्रोध को नियंत्रित करने के लिए मेडिटेशन बहुत ही अच्छा है। जैसे जैसे आप मेडिटेशन करेंगे, वैसे वैसे आपके मन से नेगेटिव विचार चले जाएंगे, स्ट्रेस और क्रोध कम होते चले जाएंगे। आंखें बंद करके गहरी सांसें लेना और छोड़ना, यह भी आपके क्रोध को इमीडिएटली कम कर देता है। या क्रोध आने पर आप उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दें, या आप किसी अन्य थेरेपीज का भी उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, वैसे ज़्यादातर व्यक्ति जिन्हें गुस्सा अधिक आता है, वह स्वयं ये बात जानते हैं और इसे नियंत्रित कैसे करना है यह भी जानते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे ऑफिस में आपके बॉस आप पर जितना भी गुस्सा करें, आप चाहे कितने भी गुस्सैल हों, परंतु जब आप पर वह बॉस गुस्सा करते हैं तो आप उन पर गुस्सा नहीं दिखाते, चुपचाप उनकी बात सुनते रहते हैं, क्योंकि उस समय आप अच्छे से भली भांति यह जानते हैं कि अगर मेरी नौकरी चली जाएगी तो घर कैसे चलेगा, परिवार की ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी। इसलिए आप चुपचाप सुनते रहते हैं और घर आके जहां आपकी चलती है, यानी आपकी फैमिली, बच्चों या सड़क पर भी गुस्सा उतार लेते हैं। परंतु उससे होगा क्या? उन लोगों का तो कोई कसूर नहीं था जिन पर आपने बेवजह गुस्सा किया। गुस्सा तो बॉस ने किया था। आप यदि गुस्सा कर भी लेते हैं तो कुछ समय पश्चात आपको इस बात का एहसास होता है और फिर आपको अफसोस भी होता है, फिर आप सॉरी बोलते हैं,
तो इससे अच्छा है कि आप पहले ही गुस्से पर नियंत्रण कर लें। आपके अंदर ये शक्ति है कि आप स्वयं से ये वादा करें कि आप अपने क्रोध पर नियंत्रण करेंगे, बेवजह गुस्सा नहीं करेंगे। दृढ़ निश्चय और अपनी आंतरिक शक्ति और अपनी आंतरिक ऊर्जा और मेडिटेशन और अन्य थेरेपीज के द्वारा आप अपने क्रोध पर बहुत हद तक नियंत्रण पा सकते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ मैं दीपिका इजाज़त लेती हूँ। कीप स्माइल, स्टे कूल एंड काम, स्टे फिट। थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।